जिले में राप्ती और घाघरा नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जिले में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। तटबंधों पर पानी के दबाव के कारण चरचौरा क्षेत्र के जोगिया झगहा क्षेत्र के राजधानी में बांध कट गए हैं और बाढ़ का पानी गाँवों में प्रवेश कर गया है। लोग नाव का सहारा लेकर बंधु या फिर बाढ़ राहत शिविर में रात गुजार रहे हैं। कौड़ीराम में बांध टूटने से बाढ़ का पानी सड़क पर आ गया है और कौड़ीराम से वाराणसी वाली सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा शहर के सटे ग्रामीण क्षेत्र कोलिया, शेरगढ़ तथा बहरामपुर के लोग पूरी तरह बाढ़ से ग्रसित हैं, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि राप्ती और घाघरा दोनों नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, परंतु इनका लेवल अभी स्थिर है। चरचौरा के फरीद नाला, जिसका एक किनारा टूट जाने से राजधानी गांव सहित कुछ गांव में पानी भर गया है। उन्होंने बताया कि वहां पर एनडीआरएफ के साथ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए तहसीलदार व एसडीएम वहां पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की एक टीम बासगांव क्षेत्र में लगाई गई है, एक टीम चरचौरा में लगाई गई है तथा दो टीमें सदर क्षेत्र में लगी हुई हैं। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। जनपद में स्थिति क्रिटिकल है और तटबंधों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, औरत खड़ी वाली तो जनपद में राप्ती और घाघरा दोनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, परंतु उनका लेवल अभी स्थिर है। सुबह सूचना मिली थी कि चरचौरा में फरेन नाला जो जिसका एक किनारा टूट गया, जिसकी वजह से राजधानी गांव के कुछ मजरों में पानी भर गया है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है कि वहां पर पानी और बढ़ रहा है। मैं एनडीआरएफ के साथ सुबह वहां गया था, गांव में हम लोगों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। मदद वहां के लिए जो भी आवश्यक है, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और रेवेन्यू की टीम वहाँ पर उपलब्ध है। बांसगांव एरिया में जहाँ पर रिंग डैम टूटा था, वहाँ पर नाव लगा दी गई हैं, वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम अवेलेबल है। जहाँ जहाँ कहीं से भी बंधों पर दबाव की सूचना आ रही है, फ्लड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सभी लगे हुए हैं और बंधों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। सर,
सर एनडीआरएफ कितनी टीम लगाएगी? एनडीआरएफ की एक टीम बांसगांव में लगी है, एक चौरी छोरा में लगी है, दो टीमें सदर में लगी हैं। एसडीआरएफ की दो टीमें सदर में लगी हैं। एसडीआरएफ की टीम अभी बनारस से और आ रही है। जनपद में स्थिति अभी क्रिटिकल है और हम लोग युद्ध स्तर पर लग के बंधों की सुरक्षा का प्रयास कर रहे हैं।